इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल डिस्कशन ऑफ द इीगल वर्ड या इ लीगल थिंग्स वी मस्ट नो वट इज़ द वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ अब इसमें वाइल्ड एनिमल्स आएँ वाइल्ड प्लांट्स आएँ चाहे वो लाइव हैं चाहे वो प्रिजर्व्ड हैं चाहे वो डेड हैं उनके पार्ट्स हों उनकी फर हो उनका मीट हो इवन जब उनका हम एक्सचेंज करते हैं फॉर वेरियस पर्पज़ लाइक किसी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सचेंज हो रहा है किसी रिसर्च के लिए एक्सचेंज हो रहा है प्रॉपर uh, लेजिस्लेशन uh, उसमें इन्वॉल्व है प्रॉपर uh, जो एजेंसीज़ हैं प्रोविंशियल एजेंसीज हैं उनके नॉलेज में हो कि इस ये इन इन पार्ट्स का एक्सचेंज किया जा रहा है दैन दिस इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग सो दिस इज़ लीगल ऑबियसली बट अगर हम इन्हीं तमाम के तमाम कॉम्पोनेंट्स को विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ दी लॉ एन्फोर्सिंग एजेंसीज अगर हम उनको uh, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा रहे हैं दैन ऑबियसली ये इलीगल ट्रेडिंग होती है सो द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ दी एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट रिसोर्स दिस इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इट कैन इन्वॉल्व लाइव एनिमल्स एंड प्लांट्स और ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स इवन वट इज़ इ लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड वाइल्ड लाइफ क्राइम इट डी स्टेबलाइजिज द इकोसिस्टम्स एंड अलॉन्ग साइड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पोजिज़ अ ग्रेव थ्रेट टू द एंड डेंजर्ड वाइल्ड लाइफ डेफिनेटली अगर हम इन तमाम के तमाम इ लीगल एक्टिविटीज में के थ्रू एनिमल्स uh, को ट्रांसपोर्ट करेंगे या स्मगल uh, कर रहे हैं सो वी आर पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू डीज वाइल्ड एनिमल्स और डीज एंड डेंजर स्पीशीज बल्कि एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं कहना चाहिए हम उन स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड कैटेगरी में लेके आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी ह्यूमन एक्टिविटीज डेफिनेटली ये एनिमल्स एक दूसरे uh, ख़ुद तो एक्सचेंज नहीं हो रहे हम बींग्यूमन इस इ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं स्मगलिंग में इस ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं सो so हमें डेफिनेटली uh, इन कामों से अवॉइड करना चाहिए सो so दैट के जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड uh, लिस्ट में uh, ना शामिल होंट इज एस्टिमेटेड दैट इट मे जनरेट्स यू एस ट्वेंटी बिलियन डॉलर्स एनवली दिस इज़ ट्यू मच मतलब इतनी ज़्यादा हीज अमाउंट है जो इ लीगल ट्रेडिंग की वजह से इ लीगल वाइल्ड लाइफ uh, ट्रेडिंग की वजह से या उनके पार्ट्स की वजह से जनरेट हो रही है अगर हम इस अमाउंट को देखें तो दिस इज़ टू मच दिस इज़ इन uh, हीज अमाउंट मगर अगर हम इसी प्रोसेस को लीगल वेज में करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो uh, इसमें कमी आएगी मगर यह कि जो uh, जो स्पीसीज हैं डेंजर्ड हो रही हैं हम उनको इस एक्टिविटी से बचा सकते हैं इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज़ वन ऑफ़ द लार्जेस्ट ग्लोबल इलीगल एक्टिविटीज़ आफ्टर ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिस इज एक्चुअली यू कैन से जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं या जो लोग ड्रग्स डीलिंग uh, में इन्वॉल्व हैं कहा यह जाता है कि इन दो बड़ी मेजर इलीगल लीगल क्राइम्स के बाद ये थर्ड इलीगल क्राइम बनता है जो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ रुपीज़ क्रिएट करवा रहा है Wildlife crime is the big business, second biggest direct threat to the species after habitat destruction. The United Nations Office on Drugs and Crime recognize wildlife crime as the third largest transnational crime after drugs and human trafficking. Again, this is the fact that we have that drugs or uh, human trafficking ke baad, this is the largest uh, trafficking. ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है या उन्होंने भी इस चीज़ को नोट डाउन करवाया कि दिस इज़ रियली अ थ्रेट टू दीज वाइल्ड स्पीशीज़ वट ड्राइव्स इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें इस एक्टिविटी में या ह्यूमंस को इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं इसमें इनएडिकुट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ या ओवरऑल भी जिस जिस जगह पे ये सिलसिले uh, ये ट्रैफिकिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की वहाँ पर जो लॉज हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे अगर हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को बाय फोर्स इम्प्लीमेंट करवाएं, वी आल्सो ऑफरिंग सर्टेन रादर मेजर पेनल्टीज ऑन इट सो इन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है सो so, uh, ये जो लेजिस्शन हैं दीज आर वीक एंड पेनल्टीज आर इनफेक्टिव फॉर दी स्मगलर्स बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लेजिस्लेशन ऑफन लैक द इक्विपमेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के हम उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे या हम उसको क्यों नहीं रोक रोक सकते बिकॉज उनको डिटेक्ट करने के लिए जो बहुत स्पेशलाइज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी हमें दे रही है वो शायद आ, उन गवर्नमेंट एजेंसीज के पास या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास हैं ही नहीं है जो उन लोगों के पास हैं जो स्मगलिंग में इन्वाल्व वो इन स्ट्रेटीज़ को इन टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको उनको मूव करवा देते हैं या उनको स्मगल कर देते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे उनके बॉडी पार्ट्स को से अगर वो आइवरी मूव कर रही है या अगर कोई एनिमल को बर्ड मूव कर रहा है उसको डिटेक्ट किया जा सके सो वी मस्ट बी एम्पावर्ड रादर दी बॉडीज़ मस्ट भी एम्पावर्ड विद दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ ताकि इस तमाम की तमाम एक्टिविटी को रोका जा सके

विद इन मिनट्स विद इन आवर्स इम्प्रूव करना चाहते हैं सो so, उस एक्टिव उस लास्ट uh, लश्ट की वजह से हम हम इन एक्टिविटीज़ में या इन इन सिलसिलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं सो स्पीशीज़ इन ट्रेड डिमांड इन पाकिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी वाइल्ड स्पीशीज़ uh, हैं जिनकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है या जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जी इन इनके पार्ट्स को या इन एनिमल्स को एज अ होल या प्लांट्स को एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह इनकी ट्रैफिकिंग करवाई जाए इनमें फ्रेश वाटर टर्टल्स जितनी भी यहाँ पे स्पीशीज टर्टल्स की हैं देर आर ऑलमोस्ट एट स्पीशीज ऑफ़ टर्टल्स इन पाकिस्तान इनकी आ, इनके शेल्स की वजह से इनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स की वजह से आ, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ, ट्रेवल करवाया जाता है या इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है अदर स्मगलिंग की जाती है टॉटाइज हैं जिनमें इंडियन स्टार्स और अफगान्स हैं आ, आ, मरीन टर्टल्स हैं रैप्टर्स हैं पर्टिकुलरली द फैल्कस और इंडियन पेंगोलिन वैनमस इंक्लूडिंग कोबरा वाइपर एंड नॉन वायरम स्निक्स लाइक इंडियन रॉक पाइथनस अदर रेपटाइल्स जिनमें मोनिटर लेजर्ट्स पाइनी टेल्ड लेजर्ट्स क्योंकि इन तमाम की तमाम ये जो जिन हम स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं इनके कहीं ना कहीं बॉडी पार्टस को आ, किसी न किसी मेडिसिनल परपजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है इन वेरियस कल्चर्स सो वहाँ पर इन एन एनिमल्स को को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हैवी अमाउंट Uh, में चार्ज किया जाता है ताकि इनको को वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाए और इन इन इनको यूटिलाइज़ किया जाए वेरियस तरह की एक्टिविटीज़ में फॉर एनिमल्स हैं जिनमें फॉक्सेज हैं जैकल्स हैं वुल्व हैं फ्रेश वाटर ऑटर्स हैं शार्क्स हैं इसके फेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन इनवर्टिब्रेट जिनमें स्कॉर्पियंस हैं बहुत ज़्यादा तादाद में स्कॉर्पियन को भी आ, स्मगल किया जाता रहा है और आ, कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि शायद इनसे पता नहीं कौन सी मेडिसिन निकल रही है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कॉर्पियन को भी रिड्यूस किया गया है उनके उसके नंबर को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है इसी तरह आ, ये जो इनवर्टिब्रेट्स में इसके अलावा वेरियस तरह की जैसे हमने बात की स्कॉर्पियंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हैं सो वी मस्ट एक्चुअली अवॉइड दिस टाइप ऑफ इ स्मगलिंग इ वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग सो दैट डीज एनिमल्स कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन